वो आदमी मर गया, तो इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप पहले ये दिखाओ कि वो आदमी मर गया और वो कैसे मरा, उसकी सारी एक एक गुत्थी खोलते हुए चलो, तो लोग आपकी कहानी को सुनेंगे। देखो सेम आगे से बनाते हैं, जैसे देखो जैसे जो दिखाया गया इसमें डायग्राम को, मैं अगर आगे से बनाऊँ फॉर एग्जाम्पल, पहले ऑब्जेक्टिव लाइन, तो मेरी मार्कर की स्याही सारी ख़त्म हो जाएगी। इसको थोड़ा डिजाइनिंग कर देता हूँ, आप जब करो तो इसको अच्छी तरह पेंसिल है ना ब्लैक ब्लैक कर देना, ये और ऐसे पेन नहीं करना, बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। देखो कितना बढ़िया, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। देखो इनको आने तो पीछे सीधा, यहाँ पर एक बड़ी इमेज बना दो, ठीक। उस तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ऐसे हमारा फाइनल डायग्राम बन गया। ये पर्सन मेरा जो हरियाणा बोर्ड है इसका तो इतना फेवरेट पर्सन है कि किसी न किसी रूप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम कैसे बनाएं बिना कोई गलती किए हुए और जल्दी से, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर ये कई बार खाली डायग्राम डायग्राम आते हैं तीन नंबर का, कि सिर्फ डायग्राम बना के दिखाएं। तो जो डायग्राम है वो इस टाइप का है, ये डायग्राम देखो ये वाला, तो ये डायग्राम बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो इसका शॉर्ट रिव्यू करेंगे हम, अगर इस डायग्राम को हम आगे से बनाते हैं, जैसे देखो जैसे जो दिखाया गया इसमें, इस डायग्राम को मैं अगर आगे से बनाऊं, फॉर एग्जांपल पहले ऑब्जेक्टिव लाइंस लूं, जो ऑब्जेक्ट की तरह दिखा दिया था डायग्राम में, तो ये थोड़ा टफ़ काम है। फिर ये लाइनें मिलाना बहुत ही जटिल काम है, ये सारी लाइन मिला के दिखाना। तो देखते सिंपल तरीके से इसको, तो सबसे पहले तो भैया हम एक लाइन खींचेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन खींचेंगे और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ये लाइन। ये डायग्राम हमने पेंसिल से रबड़ से प्रकार से ये यूज़ करके बनाना है, तो मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये लाइन होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक, इसमें तो कोई जोर नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो बच्चे करेंगे काम शुरू आगे से, पहले छोटा लेंस लेंगे फिर बड़ा लेंस लेंगे फिर बनाएंगे। तो जैसे अगर आप किसी को कोई कहानी सुनाओ और उस कहानी के अंदर कहो कि भाई ऐसे ऐसे हम गए, फिर वो दिखा और वो आदमी मर गया, तो इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप पहले ये दिखाओ कि वो आदमी मर गया और वो कैसे मरा, उसकी सारी एक एक गुत्थी खोलते हुए चलो, तो लोग आपकी कहानी को सुनेंगे देखेंगे। सेम काम वही हमने करना है। यहाँ पे अगर मैं छोटा लेंस लूँ फिर उसका बड़ा लेंस लूँ बनाऊँ तो उसमें मज़ा नहीं आएगा और गलत भी बढ़ेगा। इसको हम उल्टा करते हैं, इसके लिए हम पहले बड़ा लेंस बनाएंगे, यानी कि वो आदमी मर गया और वो कैसे मरा धीरे धीरे सारी बात बताई जाएगी, तो आपका डायग्राम भी बहुत जल्दी बनेगा और सही बनेगा। तो उल्टी कहानी चलाते हैं हम भी, तो उल्टी कहानी चलाओगे तो देखो ऐसे जो है, मैं कुछ इसमें थोड़ा नाप का ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये आठ ले लिया, आठ तो आठ ऊपर आठ नीचे लेता हूँ, देखो आठ तो सोलह तक ले जाता हूँ, इससे क्या है थोड़ी सिमेट्री बनी रहेगी और हमारा जो ऑब्जेक्टिव नहीं आई लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव तो आगे बनेगा ऑब्जेक्ट की तरह, हम तो उल्टी कहानी बता रहे हैं कि वो आदमी मर चुका है और कैसे मरा है वो बताएंगे। तो हमने ये बना दिया अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। उसके बाद अब सुनो, ये जो आठ ली थी ना यहाँ से यहाँ तक आठ, इस आठ से थोड़ी सी छोटी और इससे थोड़ी सी दूर हल्की सी यहाँ से लगा लो, ये ले लो आप साढ़े छः के आसपास ले लो, ठीक है। ये वो कील बनाई है मैंने, कील जो देखो ये वाली,
ये वाली ऐसे पेन नहीं करी, ऑब्जेक्ट का काम तो यही करेगी। और भाई इससे मिला दो इनको, इससे मिला रहा हूँ इनको, देखो एक तो बिल्कुल इसकी सीध लग क्या हो ये वाली, ये जो रो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलाएंगे हम, डॉटेड में ले लो इनको। और एक मिलाते हैं इसको, देखो यूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी डायग्राम में किसी प्रकार की, इसको आने दो डॉटेड, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार से। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है, ये जो दोनों डॉटेड है ना इनको जाने दो, जहाँ तक ये जाते हैं ना इसको पूरी सीधी जाने दो, इस रे को बिल्कुल सीधी, देखो ऐसे ही। ये हम 3 नंबर का परसेंट डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में हर साल आता है, इसको जितना हो सके बिल्कुल सीधे जाने दो। और उसके बाद ये वाली देखो, ये वाली जो रे है, ये वाली ये जहां भी जाए वहां जाने दो, जहां मिलेगी वहां मिला देंगे, ये इसको मैं लिख के आ रहा हूं दबा के, डॉटेड में चलने दो। और उसके बाद कैमरे में दिखाई देना बंद हो गया, कैमरे को हम थोड़ा और पीछे कर लेंगे, ये देखो जी, ठीक है, इसको जहाँ मिलती है ना वहाँ मिलने दो, ये होनी चाहिए बिल्कुल सीधी, ये होनी चाहिए बिल्कुल सीधी, ये मैं इसको सीधी ला रहा हूं, ये मिल गई जी, देखो यहां पे ठीक है, एनी प्रॉब्लम नो। उसके बाद यहां पे ना फाइनल इमेज आएगी, उसको थोड़ा तिरछा करके, क्योंकि वो पिन बना रहा हूं मैं, तो जो पिन दिखाई थी आपको अभी, एक निडल दिखाई थी वो निडल बना रहा हूँ मैं, तो यही ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अच्छा जी, ये काम भी हो गया अपना। उसके बाद है इससे थोड़ी सी दूर, इससे थोड़ी सी दूर यहाँ पे है एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे, वो हमने 8-8 लिया था ना, ये तो छोटा ले लो, ये 5-5 का ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं, तो वो 5 ये होगी, तो 10 तक जाने देता हूँ नीचे। ये अपना एक लेंस और आ गया, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। इससे थोड़ी सी दूर वो जो हमने, जो हमारा ऑब्जेक्ट था कील, जो थोड़ी नीचे थी उसको बनाते हैं ऐसे ही हूँ। अब यहाँ से जो कील हमारी, उस स्केल से एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे चलेगी, इस रे को आने देते हैं पूरी को, ठीक, उस रे को पूरी को आने देते हैं, और अब इनको मिलाएंगे, देखो ये मिलेगी अपनी यहाँ पे, इसको मिलाओ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है जी, मिल गई ये। उसके बाद इनको मिला दो, देखो ये देखो कितना बढ़िया, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, देखो ऐसा डायग्राम बनाना सिखा दिया है कि कभी गलती नहीं होगी, और सारी रेज किसी को ना जबरदस्ती भी नहीं मोड़ोगे,
कि कई बार जब नहीं मिलती है ना तो उनको हम ज़बरदस्ती मोड़ते हैं कि भाई मिल जाए यहाँ पे जाके। लेकिन मैंने ऐसा तरीका बताया है। और ये आ गई यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे थोड़ा काम करेंगे, इसको सजाएंगे भी, ये जो इमेज हमारी आँख में चली जाएगी, तो एक आँख भी बना देते हैं। अब इसको थोड़ा सजाओ, सजाओ का मतलब इनको हम बताएंगे क्या क्या है ये चीज़ें। ये तो हमारी फाइनल रे है, और इन रेज को मिलाओ ऐसे ही, हूँ इनमें एरो दिखाया करो। इसको मैं नाम देता हूँ बी ए, ये बी ऑब्जेक्ट हो गया। ये वो कील है बच्चों जो मैंने दिखाई थी आपको, ये वाली कील देखो, ये वाली कील है, और ये वाली कील मैंने ऐसे लगाई हूँ। ठीक है, थोड़ी सी तो बड़ी दिखानी पड़ेगी बेसमेंट, तो इसकी बेसमेंट तो मेरे को दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको आप अपनी पेंसिल से ना ब्लैक कर देना। उसके बाद इसकी थोड़ी सी बड़ी इमेज बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी, बी ए डैस, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी डैस ए डैस। ये थोड़ी देखो बड़ी बनी ना, थोड़ी और कर लो, बड़ी बड़ी बोलो, थोड़ी इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। एक लेंस में से देखने के बाद, जो मैंने अभी आँख के साथ दिखाया था, एक लेंस में से देखने के बाद ये थोड़ी बड़ी दिखेगी, तो उसी हिसाब से ना थोड़ा इसका बड़ निकाल दो, बड़ी कर दो, बिल्कुल पॉइंटेड है ये, यहाँ पे है लेंस में देखने के बाद ये ऐसी दिखेगी उल्टी। उसके बाद ये इसकी फाइनल इमेज है, ये आएगी आपकी, ये उल्टी होगी थी, वो जो लेंस है उस लेंस में से देखने के बाद जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश। देखो है तो ये भी उल्टी, उसकी उसकी और मैग्नीफाइड इमेज है, उसकी नज़र में सीधी है ये, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है इसकी फर्स्ट इमेज, ये है फर्स्ट इमेज। ठीक, और ये वाली जो इमेज है ये इमेज है फाइनल इमेज। तो मैं थोड़ा देखो मेरी मार्कर की स्याही सारी खत्म हो जाएगी, इसको थोड़ा डिजाइनिंग कर देता हूँ। आप जब करो तो इसको अच्छी तरह पेंसिल से ना ब्लैक ब्लैक कर देना। ये है मेरी फाइनल इमेज, इनको मैं चाहूँ तो स्केल लगा के और ऐसे दिखा सकता हूँ, इनको थोड़ा बारीक में दिखाऊँ। इसमें एक लाइन खींच लेता हूँ बिल्कुल सीधी, देखो सेंटर से मिला के, सेंटर से मिला के एक लाइन खींच लेता हूँ यूँ, सिर्फ बताने के लिए। ये है मेरी फाइनल इमेज, देखो ये छोटी चीज़ थी, छोटी की क्या बनी, बड़ी उल्टी, लेकिन उसको उस लेंस में देखने के बाद ये क्या होगी, और भी इतनी बड़ी बनेगी। ये हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थी, 2-4 दिन पहले मैंने एक प्रैक्टिकल भी आपको पहले करवाई है, स्लाइड के ऊपर जो छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो कितनी बड़ी दिखाई थी, मेरे पीछे एक वीडियो है प्रैक्टिकल वाली, उसमें देख लेना। ये देखो ये इसको क्या लिखो, फोकस, ये है फोकस, कौन से लेंस का, इस लेंस का, इस लेंस का फोकस का पता चल गया अड्डा, और इसका भी फोकस होगा कहीं, और ये होगी हमारी फाइनल इमेज। ये जो फर्स्ट इमेज है, सॉरी फर्स्ट इमेज, इसके लिए किस चीज का काम करेगी, इस लेंस के लिए किस चीज का काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट का, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम कर रही थी, ये हमारी क्या आ गई फाइनल इमेज। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आपने बनाना सीखा, समझ में भी आया होगा। तो इसमें जो स्टेप्स बताता हूँ एक बार, इसमें स्टेप देखो बच्चों, अगर किताब में जो दिया हुआ है उस हिसाब से बनाओगे ये वाला, पहले स्टार्टिंग करोगे यहाँ से, यहाँ से ये बनाते तो हमारा डायग्राम नहीं बनेगा, बन भी गया तो बहुत ही मेहनत होगी, बार बार उसको आपने इरेज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका, आसान तरीका है ये। सबसे पहले बड़ा है तो थोड़ा फॉर एग्ज़ाम्पल 10 16 ले लो, 8 ऊपर 8 नीचे कर लो, तो एक ये बनाओ, उससे थोड़ी सी दूर चल के
ये 8 लिया था तो ये ले लो 6.5 ले लो, और यहाँ से ये फर्स्ट रे खींचो और एक यहाँ से मिलाओ इसको ऑप्टिकल सेंटर में। देखो मैं अभी बता रहा था कि ऑप्टिकल सेंटर में जो रे जाती है वो कभी भी मुड़ती नहीं है, सीधी जाती है, बाकी जो भी जाती है वो मुड़ेगी। देखो ऐसे ही। तो ये था अपना स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री में क्या करोगे, ये रेज को मिलाएंगे, ये वाली और ये वाली दोनों, स्टेप टू स्टेप थ्री, ये भी स्टेप थ्री में ही आती हैं। इनको आने दो पीछे सीधा, यहाँ पर एक बड़ी इमेज बना दो, ठीक, उससे थोड़ी। अब उसके बाद वो हमने लिया था 8 8, तो इसको ले लो थोड़ा छोटा ले लो, 5 5 ले लो, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्ट की तरफ है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्टिव लेंस वो आँख की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे आई लेंस, ठीक। और ये बनाओ, उसके बाद यहाँ से एक पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मिलाना बड़ा आसान हो गया। देखो ये इसमें बहुत अच्छी तरह मिलेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से बहुत अच्छी तरह मिलेगी, तो ऐसे हमारा फाइनल डायग्राम बन जाएगा। ये पर्सन मेरा जो हरियाणा बोर्ड है इसका तो इतना फेवरेट पर्सन है कि किसी न किसी रूप में इसको पूछ लेता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना के दिखाओ, 3 नंबर। तो आपने ऐसे बनाना है, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो कल मैं आगे इसकी करूँगा मैग्नीफाइंग पावर और लीनियर पावर, मैग्नीफिकेशन पावर, पूरा कल आगे काम करवा करूँगा।